मध्य प्रदेश सागर जिले के हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां कल 9 बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। आज सुबह फिर से एक बच्चे की मौत और दूसरे बच्चे की तलाश जारी है। आज खुरे विधानसभा के मालथून नगर परिषद अंतर्गत गोधाम कुंड में नहाने गए दो बच्चों में से एक की मौत हो गई और दूसरे की तलाश जारी है। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक गोधाम कुंड का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा था और बारिश के मौसम में इस कुंड में बच्चे नहाने के लिए आए थे। कल सागर जिले की रहनी विधानसभा के शाहपुर नगर परिषद में एक बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें 9 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। सीएमओ नगर परिषद शाहपुर, उपमंत्री शाहपुर को हटा दिया गया। देर रात कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी को भी पद से हटा दिया गया। सागर में लगातार 2 दिनों से मातम का दौर जारी है, जहां कल 9 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया था। वहीं आज एक और बच्चे की मौत से लोग स्तब्ध है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन बच्चों की हो रही लगातार मौतें पूरे जिले को सदमे में डाल रही है।